नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको वाराणसी से या बनारस से शादी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है। मैं इस वीडियो को 3 सेगमेंट में भी आपको बताऊंगा। देखिए, चाहे आपको बनारस से शादी करनी है या यूपी के किसी भी हिस्से से शादी करनी है, तो जो लॉ लागू होता है वो यूपी गवर्नमेंट का ही लागू होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो बनारस से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है और क्या तरीका होता है, सब कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का मैरिज करना चाहते हैं, तो लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अरेंज हो, लव मैरिज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी जाके शादी हो सकती है। अब दूसरा चीज़ है कि भाई शादी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगे, तो डॉक्यूमेंट्स आप दोनों का यानी कपल का आधार कार्ड लगता है। इसके अलावा आपका बर्थ प्रूफ यानी 10वीं का मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या DL हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो, ये 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर हो जाएगा। और एक ID प्रूफ भी होना चाहिए, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो या गवर्नमेंट सर्विस में है तो वहाँ से भी कोई ID आपको मिला है तो वो भी चलेगा। ये तो डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, 2 विटनेस होने चाहिए, कोई भी 2 विटनेस हो सकते हैं टोटल, और उनके भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया और कोई भी एक ID प्रूफ हो गया, तो 2 डॉक्यूमेंट विटनेस के भी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बनारस में शादी करने में और गाजियाबाद में जो शादी होती है उसमें भी थोड़ा मैं कंपेयर करके देखो, यूपी गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ही है, दोनों जगह यूपी गवर्नमेंट है, लेकिन बनारस में आज भी वहाँ पे आर्य समाज का कल्चर नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे तो बनारस में आर्य समाज से रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो या आर्य समाज मंदिर हो, वहाँ पे बहुत ही कम है, और कम होने की वजह से बहुत सारी शादियाँ वहाँ पे होती ही नहीं है बनारस में। तो पहली समस्या यहाँ पे ये है कि यदि आप बनारस से शादी करना चाहते हैं तो नॉर्मली जो वहाँ पे शादी होगा वो किसी जो हिंदू सनातन धर्म है उसके जो मंदिर होते हैं उससे आपकी शादी हो जाएगी, और अगर आप किसी और धर्म से हैं तो उस धर्म के मुताबिक जैसे निकाह या, और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका प्रेस्ट के माध्यम से शादी हो जाएगी। एक बार को जब शादी हो गई उसके बाद से हम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे लखनऊ में करें या गाजियाबाद में करें या मेरठ में करें या पूरे यूपी में कहीं भी करें, वहाँ पर जो सर्टिफिकेट इशू होता है और जो कपल को मिलता है उसमें पूरा जो समय लगता है वो 7 से 8 दिनों का समय लगता है। हालांकि वही सर्टिफिकेट गाजियाबाद में सेम डे में मिल जाता है, जबकि बनारस में अगर आप करेंगे तो वही सर्टिफिकेट आपको मिलने में 7 दिन का समय लगता है, क्योंकि वहाँ जो तहसील है, वहाँ जो काम करने वाले मैरिज रजिस्ट्रार है, उनकी प्रैक्टिस है कि वो इतना टाइम लेते हैं, उसके बाद ही मैरिज सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। तो अगर आपको बनारस से शादी करना है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हालांकि लोकल में हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो लव मैरिज अगर आप कर रहे हो तो लोकल में मत करिए, थोड़ा दूर जाइए, गाजियाबाद आ जाइए, लखनऊ चले जाइए या दिल्ली आ जाइए, वहाँ जाके शादी कर लीजिए, ज़्यादा आपके लिए इजी होगा, ताकि परिवार के लोग दबाव बना करके शादी को तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये भी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और समझ के आपको जो भी फैसला लेना है वो ले सकते हैं। और कोई इंक्वायरी करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं या हमारे ईमेल एड्रेस care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर कोई सवाल या कुछ रह गया हो बनारस में शादी करने से संबंधित तो आप कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।